हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल। और दोस्तों, मैं आप लोग को ट्रेन कर रहा हूँ स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में। दोस्तों, आप लोग को जैसे कि पता है कि सीए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद, सीएच करने के बाद क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। हम लोग के पास डिग्री तो होता है, नॉलेज तो होता है, लेकिन स्किल नहीं होता है। स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल मार्केट में आपको बैंकेबल बनाने के लिए। बैंकेबल इन द सेंस, दोस्तों मैं आपके ऊपर पैसा लगा रहा हूँ, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे को कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। सब लोग सीए, यहाँ पे सब लोग सीएस है। आप जिस मार्केट में जा रहे हो वहाँ पे सब सीए किए हुए रहेंगे, सब सीएस किए हुए रहेंगे, लेकिन आपके पास क्या अलग है जो किसी के पास नहीं है? आपके पास स्किल रहेगा। स्किल इन द सेंस, आपको एक्सेल में नॉलेज होना चाहिए, आपको वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, पावर पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए, और दोस्तों टैली का नॉलेज होना चाहिए। टैली का नॉलेज इन द सेंस, आपको ये सारा चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम लोग बिग फोर में जाते हैं, जब हम लोग कोई इंडस्ट्री में जाते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी में आप कर रहे काम, तो वहां पे दोस्तों अलग अलग तरीके का डेटा एनालिसिस होता है। डेटा में माइनिंग करना पड़ता है, डेटा से रिजल्ट अलग अलग तरीके का निकालना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए बिग फोर में आप काम कर रहे हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स टीम में है, उसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्या क्या सर्विसेज में आपको इनपुट मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, सबका शॉर्टकट लगाना पड़ता है, एक्सेल में शॉर्टकट बनाना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों वर्ड में अलग अलग स्कोप ऑफ सर्विसेज देना पड़ता है, वर्ड में अलग अलग अपने को पिचिंग करना पड़ता है क्लाइंट के पास जाके। साथ साथ अपने को पावर पॉइंट में सेमिनार्स देना पड़ता है, साथ साथ अपने को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देना पड़ता है क्लाइंट के पास। और आपको दोस्तों ई वेबिल में वेबिल्स बनाना आना चाहिए। अलग अलग तरीके का नॉलेज दोस्तों आप लोग के पास होना जरूरी है। अगर आप सीए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे, रेदर आप अगर बीकॉम करके भी, अगर फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, ये सारा स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने करियर में पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। करियर में पीछे जाने का मतलब क्या होता है? करियर में पीछे जाने का मतलब ये होता है, ये नॉलेज आप लोग को लेना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। ये 3 साल दोस्तों आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज आप लोगों को गैदर करना चाहिए, और ये नॉलेज गैदर करने के लिए खाली नॉलेज लेके रखना नहीं, उसको प्रैक्टिस भी करना है, और ये सारा चीज का प्रैक्टिसिंग कराना, और साथ साथ दोस्तों आप लोग को नॉलेज अच्छे तरीके से देना, प्रैक्टिकल शीट्स दिखाना, ये दोस्तों आप लोगों को काम करता है एमईपीएल। एमईपीएल ये चीज करके दिखाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जो टीम है वो किसी के पास नहीं है। आपने नाम सुना होगा शुभम खेतान सर का। शुभम खेतान जो कि एक बहुत ही बड़े स्पीकर है आपका जीएसटी के ऊपर, वो दोस्तों हमारे यहाँ पे जीएसटी का ट्रेनिंग कराते हैं, जीएसटी कंप्लायंसेस के बारे में सिखाते हैं, रिटर्न्स के बारे में सिखाते हैं, ड्यू डेट्स कब कब भरता है, कैसे रिटर्न भरा जाता है, कैसे डे टू डे कंप्लायंस किया जाता है, जिससे कि क्लाइंट को कोई लॉस नहीं हो, क्लाइंट का सारा रिटर्न टाइम पे भरा जाए, और दोस्तों अलग अलग तरीके का रिटर्न कैसे अपने जीएसटी क्लाइंट का बचा सकते हैं, वो फायदा दोस्तों आप लोग को शुभम खेतान सर सिखाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास है आयुष मित्तल जी, जो कि आप लोगों को सीएसपी कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के बारे में आप लोगों को अलग अलग तरीके का नॉलेज देते हैं कि क्या 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 फाइलिंग किया जाता है, आरओसी में क्या क्या फाइलिंग किया जाता है, एलएलपी में क्या क्या फाइलिंग किया जाता है, ये सारा नॉलेज। सोचिए एक सीए बनने के बाद भी, सीए का जॉब करने के बाद भी एक सीए के पास ये नॉलेज नहीं होता है कि कैसे एलएलपी का रिटर्न फाइल होता है, वो दूसरा कहीं जगह से आउटसोर्स करा के ये सारा काम कराते हैं। सोचिए वो नॉलेज आप लोग को दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को, मैं खुद आई एम हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 to 7 years इन बिग फोर, आई एम हैविंग वेरियस टाइप ऑफ नॉलेज। अब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में बिग फोर में काम किया है, साथ में आर्टिकलशिप भी बिग फोर से किया हुआ है, और दोस्तों मैंने डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी में काम किया हुआ है। मैंने हैदराबाद में केपीएमजी में 2 साल काम किया है, डेलॉइट में काम किया है, पीडब्ल्यूसी में काम किया है। दोस्तों ये जो नॉलेज मैंने गैदर किया है ये सारा, और अब दोस्तों मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं खुद का बिजनेस काम कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से अपना बिजनेस चला रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बाई दिस कोर्सेज। और दोस्तों हम लोग जो फीस चार्ज कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू एक्सेल का ट्रेनिंग, एक्सेल का ट्रेनिंग मैं करा रहा हूँ, टैली का ट्रेनिंग मैं करा रहा हूँ, वर्ड, पावर पॉइंट और पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स का ट्रेनिंग मैं करा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि जो ट्रेनिंग आपको मिलेगा, बिग फोर का शीट्स जो बिग फोर में यूज किया जाता है, सेनवेट रजिस्टर हो गया, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया जाता है, जैसे बड़े बड़े सेमिनार्स में जाके जो मैनेजर लोग, पार्टनर लोग जो सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन देते हैं और जो जीडी दिखाते हैं, वो दोस्तों मैं आप लोग को ये कोर्स में दिखाया जाएगा। और दोस्तों जो ये कोर्स के लिए हम लोग फीस चार्ज कर रहे हैं वो बेयर मिनिमम है। सोचिए आप लोग को ये कोर्स करने के बाद लाखों में आप लोग का सैलरी मिलेगा, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तो सैलरी कुछ भी नहीं किया। मैंने एक सुना है कि जो जो बंदा ने मेरा ये कोर्स किया था
वो सीए था और उसने 13-14-15 लाख का सैलरी एकदम स्टार्टिंग में उसको मिल गया, स्टार्टिंग में। सोचिए ये कोर्स में ये ताकत है आपको। क्योंकि देखिए क्या है ना, आजकल दुनिया में सबको लगता है कि हाँ एक्सेल ही तो है, वर्ड पावर पॉइंट ही तो है, आराम से सीख लेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सब नहीं होता है, बहुत कुछ अंदर में प्रैक्टिकलिटीज है जो कि आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सोचिए बिग फोर में क्या होता है ना कि आपको माउस का यूज़ नहीं किया जाता है। माउस का क्या, कोई भी अगर इंडस्ट्री में आप, बिग फोर को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी इंडस्ट्री में आप दोस्तों, तो माउस का यूज़ नहीं किया जाता है, खाली कीबोर्ड से काम किया जाता है, क्योंकि कीबोर्ड से काम बहुत फास्ट होता है। ये आपको कोई भी एक्सेल का कोर्स का जो ट्रेनर है वो ये चीज नहीं सिखाएगा दोस्तों। ये जो चीज प्रैक्टिकल में सीखा हुआ है वही चीज सिखाया जाएगा। लिटिगेशन ट्रैकर कैसे बनाते हैं, कैसे सेनवेट रजिस्टर में कैसे टोटल निकालते हैं, कैसे ऑटोमेटिक फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है, कैसे आप लोग को अलर्ट्स आता है, ये सारा चीज दोस्तों इसमें सिखाया जाएगा। और दोस्तों बिग फोर का मेल्स ड्राफ्टिंग, ये सारा चीज भी सिखाया जाएगा। और दोस्तों ये कोर्स में आप लोग को सीवी राइटिंग का भी आप लोग को कोर्स सिखाया जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आप लोग सीवी राइटिंग के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं और आप लोग को जबरदस्त मजा आने वाला है वो कोर्स में। और दोस्तों ये कोर्स में जब आप कॉम्बो कोर्स लेंगे ना, तो शायद आपका 15-16,000 का ये कोर्स पड़ेगा आपका कॉम्बो कोर्स लेने जाएंगे तो। और दोस्तों और आपको वैलिडिटी भी पूरा 1-2 साल का मिल जाएगा। सोचिए आप जितनी बार भी ये वीडियो देख सकते हैं, जहां अटको वहां पर ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग जैसे जानते हैं कि वायरस की पेन किसी को नहीं मिलती, वायरस की पेन उसी को मिलती है जो बहुत होनहार रहता है। तो दोस्तों देखिए, डिग्री आपको मिल गया, लेकिन वायरस की पेन अगर आपको हासिल करना है, वो पेन को अगर आपको हासिल करना है, तो दोस्तों आपके पास स्किल्स होना बहुत जरूरी है, तभी दोस्तों आपका सैलरी 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया मिलेगा। और मैं दोस्तों ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ये कोर्स पूरा कर लोगे तो आपको ये सैलरी तो भूल जाइए, आपको मतलब स्काई इज द लिमिट दोस्तों, एकदम जबरदस्त मजा। और जो कॉन्फिडेंस आपको देगा दोस्तों, वो मनी कांट बाय एवरीथिंग। ये कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा ना, वो मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आप बोलोगे कि यार क्या जबरदस्त चीज है, यार क्या जबरदस्त चीज है। मैंने इस चीज को खुद अपने पास, अपने आप से ये महसूस किया है, क्योंकि मैंने बिग फोर में जब मैं काम करता था तो मेरे को ये प्रॉब्लम होता था, जब मेरे को ये एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट नहीं आता था। लेकिन जब दोस्तों ये आने लग गया ना दोस्तों, बस फिर क्या मजा आया है दोस्तों, क्या फ्लोर में नाम हुआ है मेरा यार, मजा आ गया। मतलब दोस्तों ये चीज मैं आपके अंदर में कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ ये कोर्स करने के बाद। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड डू टेक अ राइट डिसीजन इन योर लाइफ। थैंक